दरम्यान विरोधी पक्ष नेते अंबादास दानवेंनी भुजबळांवर जोरदार हल्ला बोल केलाय. भुजबळांना एकट्यालाच कोण कशाला धमकी देईल, भुजबळ स्वतःचं महत्व वाढवण्याचा प्रयत्न करत आहेत, अशी प्रतिक्रिया विरोधी पक्ष नेते अंबादास दानवेंनी दिली आहे. भुजबळ जो खुद का महत्व बढाने के लिए सब बातें कर रहे हैं, समाज में बहुत ओबीसी के मसीहा बताने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कोई ओबीसी के खिलाफ भी नहीं है. कोई मराठा समाज थोड़ी कहता है कि ओबीसी के खिलाफ रहे हम. जो कोई मराठा समाज में आंदोलन हो रहा है सब, कोई ऐसा कोई ओबीसी के खिलाफ तो रहने का सवाल नहीं आता, क्योंकि हम सब भाई भाई है. मराठा समाज अगर कोई करना चाहता था हिंसा तो मराठा समाज ने 58 मोर्चे लाखों लोगों के निकाले, लेकिन कहीं थोड़ा भी मराठा समाज ने कभी आग भी उठाता किसके तरफ देखा नहीं. वैसे देखा जाए तो मराठा समाज में वो शक्ति है, ताकत है, लेकिन मराठा समाज हिंसा पे विश्वास नहीं रखता. एखादी भूमिका सभागृहामध्ये मांडणं म्हणजे कायमस्वरूपी घरचा आहेर किंवा अपयश समय मानणारा नाही. सरकार प्रत्येक सभागृहातल्या आमदाराची लोकप्रतिनिधीची काळजी घेत असतं, त्याच्यामुळे भुजबळ साहेबांच्या बाबतीमध्ये असे काही प्रकार जर होणार असतील तर त्यांना संरक्षण पुरवण्याच्या दृष्टीनं सरकार निर्णय घेईल. लोकशाही मराठी ऐका, पहा, जागरूक रहा.